यूपी में दुष्कर्म के बाद हत्या का एक और मामला आया सामने। मेरठ में दुष्कर्म के बाद हत्या की वारदात हुई। सोमवार की देर रात एक शादी समारोह में आई दूल्हे की 17 साल की भांजी से रेप के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसका शव बैंक्वेट हॉल के बाथरूम में मिला है। रिश्तेदारों ने बाथरूम के बगल कमरे में सो रहे एक सिपाही को जमकर पीटा है। पिटाई से वह बेहोश हो गया। इस प्रकरण में मृतका का मौसेरा भाई भी शक के घेरे में है। एसपी देहात केशव कुमार का कहना है कि कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। सिपाही की भूमिका की जांच की जा रही है। अभी तक मौसेरे भाई की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सीओ सदर देहात पूनम सिरोही का कहना है कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कुछ नाम सामने आए हैं, पुलिस जाँच कर रही है। दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। मेडिकल थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी निवासी व्यापारी के बेटे की गढ़ रोड स्थित रेड कारपेट विवाह मंडप में शादी थी। इस समारोह में मेडिकल थाना क्षेत्र में रहने वाली दूल्हे की 17 साल की भांजी भी आई थी। शादी की रस्में चल रही थी, इसी दौरान लड़की अचानक लापता हो गई और करीब 2 घंटे गायब रही। लड़की का मौसेरा भाई भी गायब था। मृतका लड़की के भाई ने बताया कि मौसेरे भाई के साथ ही उसकी बहन आखिरी बार शादी समारोह में देखी गई थी। जब एक एक कमरे का दरवाजा खोलकर देखा गया तो मौसेरा भाई भी शराब के नशे में मिला। वह पहले तो उलझ गया। उसने सवाल करते हुए कहा कि मुझ पर ही क्यों शक कर रहे हो, जिसके बाद लड़की का शव बाथरूम में मिला। उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। वहीं कमरे के बगल में एक यूपी पुलिस का सिपाही सो रहा था। घटना से आक्रोशित दूल्हे पक्ष के लोगों ने उसे जमकर पीटा, जिससे वो बेहोश हो गया। घटना के बाद अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। सिपाही शामली जिले का रहने वाला है, जो मेरठ पुलिस लाइन में तैनात है। सिपाही ने बताया कि मैं दोस्त की बहन की शादी में आया था। रात में शराब पीकर कमरे में सो गया। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है कि सिपाही शादी समारोह में कैसे पहुंचा। सिपाही को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मेरठ गढ़ मार्ग पर मेडिकल कॉलेज के सामने लोगों ने जाम लगाकर हंगामा किया। भीड़ मौके पर डीएम व एसएसपी को बुलाने की मांग कर रही है। लोगों ने भाजपा सरकार व भाजपा नेताओं के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की।